ओके, मेरा नाम श्याम तनेजा है। मैं एक संस्था में काम करता हूँ जिसका नाम है आई कैन आई विल फाउंडेशन। ये एक एनजीओ है जिसका मिशन है बिल्ड इंडिया। बिल्ड इंडिया एक मुहिम है जिससे हम भारत देश के छोटे और मध्यम वर्ग के व्यवसाय को ग्रोथ करने में मदद करते हैं, क्योंकि भारत देश का छोटा और मध्यम उद्योग भारत देश को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। ऐसी मान्यता के साथ हमने एक संगत क्रिएट की हुई है जिसका नाम है आई लीड। लीड LEAD, लर्न इवॉल्व अचीव एंड डेवलप। तो आई लीड संगत में ये सब मालिक लोग, हम सब मालिक लोग मिलकर थोड़े थोड़े समय में मिलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को गिव की भावना से काम करते हैं कि हम कैसे देश को और विकसित कर सकें। एक ही उद्देश्य है और देश विकास तब होगा जब हमारा और हमारे व्यापार का विकास होगा। इसलिए ये नारे नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल बात है कि ऐसी मुहिम आई लीड की मुहिम के साथ हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ अपना बिजनेस बढ़ाओ और अपने बिजनेस के बढ़ाने के साथ साथ देश का भी विकास करो। How many members you have? We have right now 150 members, 150 member हैं, लेकिन अब हम अगले साल इसका विकास करेंगे, क्योंकि अब तक जो हमने सीखना था, systems, processes, जो भी कुछ सीखता है नए organization में वो हम सीख चुके हैं। 1 जनवरी के बाद से हमारा नया एक अवतार पैदा होगा, आई लीड। What is your future vision? फ्यूचर विजन इज बिल्ड इंडिया। आज इंडिया का MSME सेक्टर सिर्फ 28% GDP का कंट्रीब्यूशन है, जबकि जर्मनी में यही कंट्रीब्यूशन MSME सेक्टर के द्वारा 75% है। हम चाहते हैं कि ये सब मिलकर हम हमारे देश का और हमारे अपने व्यवसाय का बढ़ोतरी करके GDP का कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 75% लाने की कोशिश करें। देश खुशहाल होगा, हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर सिटीजन खुशहाल होगा, हर बिजनेस पर्सन खुशहाल होगा और भारत उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनको किसी टाइम में हजारों साल पहले छूता था। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग फेस्ड बाय द MSMEs नाउ? देयर आर MSMEs हैव अ प्रॉब्लम, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम MSME की ये है कि MSME सेक्टर के लोगों को कोई कंडीशन नहीं है कि वो बिजनेस के बारे में जाने और तब बिजनेस करें। आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, पहले उसकी क्वालिफिकेशन पूछते हो, किसी को जॉब देते हो क्वालिफिकेशन पूछते हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर के सामने ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इसलिए 8वीं पास भी धंधा शुरू कर देता है, 12वीं पास भी कर देता है। और आज की गति वाले समय में जब व्यवसाय करना सीखा नहीं है, आता नहीं है, तो व्यवसाय में गलतियाँ होती हैं। इसलिए आपका जो सवाल है वो यही है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे मालिक लोग भारत देश में पुरानी गति से चलना चाहते हैं, जिसमें कि स्लो स्लो करके हम बढ़ते थे आगे। आज की गति वाले समाज में और आज की गति वाले समय में हमारे को सीखना पड़ेगा, और हम वही काम करते हैं, वही मदद करते हैं एक दूसरे की कि हम एक दूसरे से सीखते हैं और ग्रोथ करते हैं। ये हमारा और कोई सवाल? ओके ओके सर, मिस्टर पंजाब। जैसे श्याम सर ने बताया, आई कैन हैव इट। आई एम हार्दिक पंचाल, अ प्राउड मेंबर ऑफ आई लीड कम्यून, एंड व्हाट वी आर गोइंग ऑन इज अ ट्रैक टू बिल्ड इंडिया। सो श्याम सर हैज सेट अप इन हिज आई कैन आई विल फाउंडेशन 4 verticals, वन ऑफ देम इज आई लीड। एंड टुडे आई लीड मीन्स आई एज अ MSME एंटरप्रेन्योर, आई लर्न, आई इवॉल्व, I achieve and I develop. When I learn and achieve, I need to practice all that and develop a commune of leaders. So this is what we are trying to achieve as a small and medium sector entrepreneur. So today's event of No More Grow More is set up to establish a rapport within the commune members and outside visitors for manufacturing industries, for pharmaceutical, textile, different verticals, and as well as service industry. What we have experienced is all this exhibition have historically been sectorial.
माने एक किसी एक सेक्टर पे काम किया जाता था उसके एग्जीबिशन होते थे। यहाँ पे हमें एक मौका मिला है जहाँ पे हम साथ साथ मिलके एक दूसरे के कस्टमर्स और एक दूसरे के बिजनेस के चैलेंज को जानते हैं। जैसे आपने पूछा कि चैलेंज क्या है एमएसएमई में, हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है सोच की। आज इंडिया के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड सप्लायर बनने की है और हम जिस स्केल से बढ़ रहे हैं आगे, जिस स्केल से ऑपरेशन फेस कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जो सिस्टम्स प्रोसेसेस जो नई सोच लानी है, ये सब मिलजुल के आएगा। तो जैसे हम एक कम्यून है, ऐसे हम अलग अलग मेंबर्स को जोड़ के ये सोच को बिल्ड इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। दैट इज अवर विजन एज अ ऑर्गेनाइजेशन। हम खुद सीख रहे हैं एज एमएसएमई ओनर्स और हम उसको इम्प्लीमेंट करके पूरी टीम तैयार करें ताकि अपना भारत ऐसा देश बन पाए जो वर्ल्ड की पूरी नीड को कैटर कर पाए और उस दिशा से अपने एफिशिएंसी लेवल को बढ़ा पाए। सो हाउ ऑफन यू आर मीटिंग, हाउ ऑफन यू आर होल्डिंग द मीटिंग फॉर मेंबर्स? मीटिंग्स कब होता है, कैसे होता है? अशोक जी, यू लाइक मीटिंग्स विल बी इज हैपनिंग इन फोर्टनाइट डेज। आफ्टर एवरी 15 डेज वी आर हैविंग अ सेशन जहां पे हम सारे बिजनेसमैन इकट्ठे होते हैं और उस प्रोग्राम को करते हैं, उस सेशन को लेते हैं। So since COVID time, we are doing a meeting online. Yes. So we don't have a location by. तो वो 1986 में सरकार शुरू किया, वहाँ से मेरी रेडी मेड पे एंट्री, फिर वहाँ 1995 में सीजी रोड पे आए और जेटू कास्ट ऊपर आप सब जानते हैं 250 फुट का, उस टाइम अहमदाबाद में अच्छा मछली थी, बोले ये रखा क्या रखता है इतना बड़ा शो, वो भी बहुत ही बढ़िया शो था, बहुत ही बॉडी वेरी टाइट और बहुत नशा था, इतना नशा कि आप क्या बोलो, मतलब दिन रात जब टेलरिंग की कपड़े दे तब भी रात को दो दो तीन तीन बजे अच्छा काम करके सुबह वापस 8-9 बजे वापस काम करते, बहुत ही मेहनत किया और आपका और आगे बढ़ो। मैं नरेंद्र मोदी जी से कार्यक्षमता नहीं थी, मगर मोदी जी से कार्यक्षमता मेरी रखने की उम्मीद रखता हूँ, मगर मैं बहुत काम करता हूँ। थोड़ा समय का आपके, मैंने दो सूत्र पकड़े, एक तो सोच को बड़ी रखो बराबर है और दूसरा यह है कि टेम्पररी डिफीट से हार मत मान, जैसे बंबई में आपने हार नहीं मानी, तो टेम्पररी डिफीट जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई जगह हम फेल भी होते हैं, सो कॉल्ड अनसक्सेसफुल होते हैं। ये दो सूत्र मैंने पकड़े, कोई और एक सूत्र और बताइए जो हमारे दर्शक ले लें। आप लोग समझते हैं, बताया कि इतने बड़े मतलब बहुत लंबी मेहनत के बाद जाए, तो मैंने कहा कोई शॉर्टकट नहीं है, एब्सोल्युटली कोई शॉर्टकट नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हम चाहते हैं कि हम कल सफल हो जाए, आईपीओ ले आए, शॉर्टकट सक्सेस का नहीं है ये, इनकी 20-22 साल की जर्नी बता रही है और वो भी कैसी जर्नी, मुझे मालूम है कि ये शायद उस दुकान में कभी बार सोते भी थे कई बार। थैंक यू वेरी मच जीतू भाई, इट वॉज वेरी मेरे पड़ोसी राकेश जी, राकेश जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो मैं बहुत साधारण दिखने वाले बहुत शार्प बुद्धि वाले इंसान हैं। पहली बार जब उनसे इंटरेक्ट किया मैंने तो उनको लगा कि इंसान कैसे डिस्कस करता हो, क्योंकि देखने में बड़े सरल से लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने इनके साथ काम किया, इफेक्ट किया, आई के लाइफ मेंबर भी हैं और हम आजकल हम इनके साथ हमारा और भी जो प्रोग्राम है वो भी कर रहे हैं। ये इनके साथ मैंने एक खासियत पाई है कि बोलना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा इशारा भी दिया तो ये पकड़ लेते हैं और ये मेरे ख्याल से ओनर की बहुत पावरफुल चीज है कि अगर उसको बोलना पड़े और समझ में आए तो समय व्यतीत होगा। व्हाट यू सर, थैंक यू। आई कैन आई विल सर ने काफी तारीफ कर ली है, वो कहते हैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ क्योंकि आज भी मैं लर्नर हूँ सर,
और हर दिन हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। ये मेरी जर्नी का सबसे पहला सूत्र है कि पूरी जिंदगी अंत तक आपको कुछ ना कुछ सीखना है, और सीखते ही इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो आप नया और अच्छा रिजल्ट पाएंगे। सर बताते हैं रिजल्ट कैसे आता है, सोच से आता है, एक्शन से आता है, उसके बाद में रिजल्ट आता है। तो वो हम सोच बदलते हैं तभी हमारी एक्शन बदलती है, और तभी हम अच्छा रिजल्ट अपना जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। और दूसरा मेरा सूत्र ये रहा है सर कि मैं कमिटमेंट से काम करता हूँ सर, और मेरे सभी एम्प्लॉयज को और सबको बोलता हूँ कि अगर कमिटमेंट तुम्हारे अंदर नहीं है, पैशन तुम्हारे अंदर नहीं है, तो वो काम मत किया करो। पैशन से काम करो, कमिटमेंट से काम करो, तो आपको सक्सेस आपके कदम चूमेगी, वो 100% है। और सर दूसरी चीज आपने ही हमें सिखाई हुई है कि हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ नया इंप्लीमेंट करके करते हैं, और उसी की वजह से हम अच्छा और जो इजीली करना चाहते हैं वो वर्क हो जाता है, और हमारा जो कंपनी का वैल्यू हो रहा है सर, हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं वैसे, तो हमारे यहाँ रियल एस्टेट में 70% रियल यूजर्स आते हैं, 30% इन्वेस्टर्स आते हैं, और वो जो यूजर्स होते हैं वो शायद एक बार दो बार या तीन बार ही घर या शॉप्स या ऑफिस कुछ परचेज करते हैं, तो वो अपनी जिंदगी में जो कमाई होती है सब डाल देते हैं। तो हमें उनको किसी भी तरह उसको नीचा नहीं। अहमदाबाद की ये पहली बिल्डिंग है जिसमें ट्रेंड की शुरू किया कि इस तरह की बिल्डिंग में मल्टी फंक्शन हो सकते हैं। उससे पहले होटल्स थे, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सफलता कैसे पाई कि आईपीओ तक चले गए। बहुत बड़ी एजुकेशन भी नहीं है, तो आपके ऊपर आप सीखना चाहते हैं कि आपने कौन से सूत्रों के माध्यम से ये प्रगति की। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मुझे जो बताया कि सक्सेस मैं अपने आप को अभी भी सक्सेसफुल नहीं समझता हूँ। मैं अभी भी समझता हूँ मैं अपनी पहली सीढ़ी पे हूँ, और ये सीढ़ी कभी खत्म नहीं होगी मेरे लिए। एक अजीब है, मैं 13 साल का था, पढ़ता था इंग्लिश मीडियम में, मेरी मदर ने बहुत मेहनत से मेरे को स्कूल में एडमिशन दिलाई थी। चाय की दुकान थी हमारी रिलीफ रोड पे, और स्कूल के बाद मैं चाय की दुकान संभालता था, और मैं प्रकाशचंद सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। तो रोज जैसे स्कूल में आऊँ तो सामने ये शालीन चूट के 5-स्टार होटल देखता था, तो रोज स्कूल से छुट्टू और बस स्टैंड पर ठहरा रहा हूँ, ऐसा होता था ऐसी होटल बनानी है जरूर एक दिन। मतलब तो पहले दिन से ही मैं सोचता था बहुत बड़ा, लेकिन जब चाय की दुकान में जाता था तो डीमोरलाइज हो जाता था। फिर भी चाय की दुकान में कैसे इसको डेवलप करूँगा, चाय की दुकान को कैसे डेवलप किया जाए। लेकिन मैंने चाय की दुकान में भी उस टाइम में क्या होता था, जब शादियाँ वेडिंग्स होती थी तो उस टाइम में होटल्स वगैरह नहीं होती थी, उस टाइम में भवंस और वाड़ी होती थी। तो उधर जैसे चाय का, आजकल चाय का अड्डा का जो फैशन हो गया है, वो मैंने 84 में चाय का अड्डे का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, और उस जमाने में सब शादी भवंस में, और उसमें हम चाय का 24 आवर्स का होटल लगाते थे। इस तरह हमने 8-8 10 शादियों में एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू किए। फिर हम एस्प्रेसो कॉफी की मशीन फर्स्ट मैंने इंट्रोड्यूस की थी गुजरात में। इस तरह हमने चाय के बिजनेस को मैं से बड़ा बनाया, ग्रोथ किया थोड़ा उसमें से। उसमें से फिर मैंने 89 में पहली चाट की दुकान खोली व्हाइट हाउस पंचवटी में। मैं क्या देखता हूँ, तो पहले यहाँ है क्या नहीं मिलता है, तो यहाँ रोज देखते थे सुबह फाफड़ा गांठिया जलेबी, किसी कुछ मिलता नहीं था। तो मैंने क्यों ना कुछ नया करे, तो मैं एक बार दिल्ली चांदनी चौक गया था, तो वहाँ चाट देख के मुझे लगा क्यों ना ऐसी आइटम इंट्रोड्यूस करे तो लोग गुजरात में ये फर्स्ट हो जाएगा और लोग इंजॉय भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो मैंने 2-4 कुक्स को लेके पहले व्हाइट हाउस में एक छोटी सी दुकान चालू की थी चाट की, जिसका नाम भगवती चाट था, और लकीली हमको पहले दिन ही बहुत
सक्सेसफुल मिला। हम जो बिजनेस 5-6 घंटे में सोचते थे वो हमारे 1-2 घंटे में ही सब मटेरियल खत्म हो जाता था, तो धीरे धीरे हमको बढ़ाना पड़ा। फिर हम उसको सोचा हमने क्यों ना इसको अभी जैसे हम पहले शादी भवन में चाय कॉफी का करते थे, फिर हमने उस टाइम पे सोचा कि चाट को क्यों ना हम केटरिंग में ले जाए। तो फिर हमने एक दो कस्टमर को बोल के सामने से हमने उनके फंक्शन में चाट रखवाई, बोला हम वैसे ही रखेंगे, आप देखिए आपको अच्छा लगे तो पैसा देना। तो एक जगह चाट का जिस दिन पहला दिन ही हमने शुरू किया उधर ही हमारे पास चार फंक्शन के ऑर्डर मिल गए, भाई हमारे वहाँ कर दोगे ऐसा, हमारे वहाँ कर दोगे। तो इसी तरह मैंने चाट की केटरिंग में शुरुआत की, धीरे धीरे होटल्स मैनेजमेंट, क्लब्स मैनेजमेंट लेना शुरू किया। फिर मेरे माइंड में था कि कोई ना ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया जाए कि जिसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन हो शादी होने के लिए, कि आदमी आए पैसा दे खत्म, उसको कोई डेकोरेटर नहीं, कोई दूसरी एजेंसी को पकड़ने के लिए, एक ही सॉल्यूशन। तो मैं बहुत सोचा मैंने, तो ये जब मैंने प्रोजेक्ट बनाने का सोचा तो फिर मैंने ये 2000 में मैंने ये प्रोजेक्ट का प्लान किया था। पहले ये प्लॉट भी मुझे प्लॉट मालिक दे नहीं रहा था, मैं जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा कि मैंने ये प्लॉट किया, मैंने क्या बोलूँ ये प्लॉट को दिख गया मुझे, बोला वाइब्रेशन में जैसे ही यहाँ प्लॉट पे खड़ा था मेरे वाइब्रेशन अलग हो गए, तो मैं उसके पीछे पड़ा। वो देने को रेडी नहीं था, उनके कोई झगड़े करते थे काफ़ी 20 साल से मारामारी करते थे, पार्टनर दोनों पार्टनर थे एक यहाँ। लेकिन मैंने बोला मुझे नाम को तो किसी साथ आपका झगड़ा चलता है, बोले आप बच्चे हो आप क्यों ऐसा कर, नहीं होगा सोल्यूशन आपका, मुझे आप बताओ सही। एक बार उन्होंने जीत करके मुझे नाम दे दिया इधर व्यासी जमीन है। तो इस तरह फिर मैंने वो कॉन्टेक्ट ढूंढा और इनका सॉल्यूशन 10 दिन में ही, मैंने झगड़ा दोनों का पैसे का ही था, तो दोनों का सॉल्यूशन करके ये प्लॉट लेके फिर मैंने यहाँ होटल शुरुआत की। ये होटल में जो मैंने डिफिकल्टीज देखी है बनाते वक्त, कहते हैं लोही के आंसू दिए बाकी सब कुछ आ गया, मतलब 3 नेचर कैलामिटीज देखी हमने, फ्लड देखा, ये गोधरा राइड्स देखे और दूसरा ये अर्थक्वेक देखा, सबसे बड़ा अर्थक्वेक देखा। अर्थक्वेक के बाद गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्टॉप करा दिया था और प्लस उसी टाइम माधुपुरा कॉपरेटिव बैंक कॉलेप्स हो गई थी, तो सारी बैंक के भी कोई लोन देने को रेडी नहीं थी। मैं कब से वो 100 बैंक के घूमूंगा, तो उस टाइम क्या था कि हमारा प्रोजेक्ट ही हमने 18 करोड़ का फाइनल किया था, उस टाइम पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था गुजरात का, अभी ये इस टाइम का पीरियड तो उस जमाने में बड़ा प्रोजेक्ट था। तो हमने 8 करोड़ हमने 2 फ्रेंड्स से सोचा था कि लगाएंगे, बाकी 10 करोड़ का लोन लेंगे, लेकिन उस टाइम कोई भी रीजनल मैनेजर का पावर नहीं था 10 करोड़ का। हम कम से कम 100 बैंक ही घूमे होंगे, लास्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम रेडी कर पाए, वो कॉन्सेप्ट को समझा कि ये बैंकवेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले कोई भी कॉन्सेप्ट ही समझता नहीं था, मतलब तो कॉन्सेप्ट रेडी समझे, मतलब वो दिल्ली के थे तो उनको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आइडिया था। तो इस तरह से उन्होंने 5 करोड़ की लोन देने का फाइनल किया, बोले मैं पानी पास करूंगा तो दूसरा भी आपको 5 करोड़ की लोन दे देगा। इस तरह से हमने कैसे भी करके 10 करोड़ की लोन सक्सेसफुली लेके आए, मतलब और ये प्रोजेक्ट हमने पूरा किया। 2002 में हमने ये 23 जून को इसका ओपनिंग किया था, ओपनिंग के टाइम पे थोड़ा शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन बाद में हमने इसका खुशी बताते हुए कि इसका ओपनिंग भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अभी जो हमारे गृह प्रधान अमित शाह है, उन दोनों ने इस प्रोजेक्ट का ओपनिंग किया है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी काम छोटा नहीं होता है, मैंने जैसे कि कोई छोटा नहीं होता।
Good evening, everyone. We have a next round of really exciting events. Micron Industries, Ashok Brothers, Micropath. Be quick when you respond, but also be accurate. Yes, super. 47 people getting it right. It's Blue Digit Technologies. You can see the right answer on your screen, so you'll get to know whether you're answering it correctly or you're getting it wrong. So we'll go to the next question.